हाफ के जी बोनलेस चिकन लिए, हमने छोटे पीसेस बना लिए हैं इसके। अब इसमें हम मेरीनेशन के लिए मसाला डालेंगे सूखा। चाइनीज़ नमक है इसमें 1/2 टीस्पून, रेगुलर नमक है 1 टीस्पून, ओरिगेनो 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून जो है हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, 1 टी स्पून हमारे पास पिसा हुआ जीरा है, और 1 टी स्पून हमारे पास काली मिर्च है, हम इसमें शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही शामिल करी है, गाढ़ा दही है हमारे पास। 1 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन है, और 4-5 हमने हरी मिर्चें ली हैं, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल है, ये इसमें हम शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका डालेंगे हम इसमें। 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ताकि अच्छी तरह इसमें मसाला मिक्स हो जाए और अच्छा फ्लेवर आए। पाँच से 6 टेबल स्पून के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो रहा है, उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे फ्राई करने के लिए। हल्की ट्रांसपेरेंट हो जाएगी प्याज, तब हम इसमें चिकन डालेंगे। प्याज डालेंगे फ्राई करने के लिए। एक दरमियानी साइज़ की प्याज लिए, जो बारीक स्लाइस करके डाली है, ट्रांसपेरेंट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है, हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट करनी है प्याज। ये मेरीनेट वाला गोश्त है, जो हमने इसको 1 से 1.5 घंटा मेरीनेट करा था, हम इसमें प्याज में शामिल करेंगे। तो हम स्लो आँच पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि गोश्त गल जाए हमारा। अब हम इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि पानी खुशक हो गया, प्याज भी माशाल्लाह से तकरीबन मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे, अपने टमाटर, मिर्चें और शिमला मिर्च। इसमें हम 1 टमाटर डालेंगे, हमने इसके बीज निकाल लिए और बारीक स्लाइस कराए, ये ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डालें। थोड़ा मिक्स कर रहे हैं, अब इसके अंदर लाल मिर्चें और हरी मिर्चें काटी हुई हमने, वो डालने हैं 4 से 5। अब इसमें हमने 1 से 1.5 शिमला मिर्च काटी हुई स्लाइस में, वो डाल रहे हैं हम। जूनियर कटिंग के लिए स्लाइस के लिए बारीक काटी हुई हमने, थोड़ी सी देर मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें व्हाइट चावल डालेंगे। 1/2 kg राइस हैं, सैला चावल लिए हैं, और इन्हें 1-1.5 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब हम इसके बाद बॉयल करेंगे इन्हें। ये चावलों के लिए पानी बॉयल करा है, इसमें हमने नमक डाला है और क्या कहते हैं, थोड़ा सा तेल डाला है, ताकि चावल अच्छे खिले खिले रहें। ये हमारे चावल डन हो गए हैं माशाल्लाह से, देखें कितने खिले खिले हो रहे हैं। अब हम इन्हें पसाने जा रहे हैं, फिर इसमें गोश्त में शामिल करेंगे। पहले चावल हो गए हमारे, देख लें इन्हें पसा लिया, अब हम इसमें ये अपना चिकन शामिल करेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि कलर इसका खूबसूरत वाइट ही लगता है, वाइट और ग्रीन। 5-7 मिनट के लिए हम इसे हल्का दम दे देंगे, ताकि हमारे चावलों में मसाला मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से हमारे राइस तैयार हो गए हैं, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारे चावल लग रहे हैं, कलर बहुत खूबसूरत है। राइस तैयार हो गए हैं, देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसका कलर देखें मिर्चों का, हरा लाल वाइट, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब खा के हम आपको बताएंगे कि कैसी तैयार हो, इंशाल्लाह आपको पसंद ज़रूर आए। जा रहे हैं दही को फेंट लेंगे डिश की मदद से अच्छी तरह। इसमें हमने 2 अदद मिर्चें ले ली हैं और थोड़ा सा धनिया ले लिया है बस, ज़्यादा मुझे कलर पसंद नहीं है, इसलिए लाइट कलर के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब हम थोड़ा सा नमक यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप ये रायता बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, इसका कलर भी, इसका टेस्ट भी, इंशाल्लाह वाला।
एक कप हमने इसमें घी लिया है। घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ्राई करेंगे प्याज को, जो हमने तीन मीडियम साइज़ के लिए और बारीक स्लाइस कर लिए हैं दोनों। गोल्डन ब्राउन करेंगे इसे, फिर हम बाहर निकाल लेंगे इसमें, फिर बाकी मसाले डालेंगे। तकरीबन हो गई, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये 1 kg गोश्त लिया हमने चिकन का, जिसमें शामिल कर रहे हैं। अगर हम इसकी भुनाई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट कलर हो जाए, तो फिर हम बाकी इसमें मसाला जार शामिल करेंगे। अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। ये खड़े गरम मसाले लिए हैं हमने, इसमें दालचीनी के टुकड़े हैं 2 से 3, 2 बादियान के फूल हैं, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची है हमारे पास, ज़ीरा है सफ़ेद, काली मिर्चें हैं 20 से 25 दाने, तेज़पत्ता है, और ये शाही ज़ीरा है हमारे पास, और लौंग है, इसे हम शामिल करेंगे इसमें। इसमें तमाम ये मसाले डालेंगे ड्राई। ये हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, अदरक लहसुन लिया है हमने, मोटा मोटा कूट लिया है 3 टेबल स्पून लिया है, और ये हरी मिर्चें मोटी मोटी कूट ली हैं, 20 से 25 हरी मिर्चें ली हैं हमने, और कड़ी पत्ता शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला लिया है रेडीमेड, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्च ली है, नमक टेस्ट के हिसाब से लिया है, थोड़ा सा चाइनीज़ नमक लिया है, ये बिरयानी जो बनाते हैं तो उसमें इन्हेंस करता है इसके टेस्ट को। सौंफ लिए हमने 1 टीस्पून, और साबुत धनिया है जिसे मोटा मोटा कूट लिया 1.5 टेबल स्पून लिया हमने। तमाम मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लिया ताकि मसाले हमारे लगे नहीं। 4 मीडियम साइज़ हमने टमाटर लिए हैं जिन्हें बारीक स्लाइस कर लिया है, 5 से 6 हमारे पास आलू बुखारे हैं। अब इसमें हम 1/2 टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इस्तेमाल कर रहे हैं आलू बुखारे इसमें डाल के। 1 टेबल स्पून हमने इसमें नींबू का रस डाला है, वो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। माशाल्लाह से इसका कलर देखें, बहुत ही प्यारा, और इंशाल्लाह ताला जब ये रेसिपी तैयार होगी तो बहुत सी पसंद भी आएगी। अब इसमें हम ढक रहे हैं, और ढक के 10 मिनट के लिए दम पे देंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। इसमें हम 1 टी स्पून जो है ना चाट मसाला शामिल कर रहे हैं, इससे भी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 प्याली हमने दही लिया है जिसे अच्छी तरह फेंट लिया। 1/2 कप का ये भी इस्तेमाल करेंगे, 1/2 कप हम दम लगाते टाइम इस्तेमाल करेंगे। मिक्स कर रहे हैं इसको। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। ये गोल्डन की भी प्याज है, ये भी हम इसमें आधी शामिल करेंगे और आधी दम लगाते टाइम शामिल करेंगे। ये ऑयल हम निकाल रहे हैं इसमें से, जो हम बाद में दम लगाने में यूज़ करेंगे। इसमें हम नमक डाल रहे हैं, जो चावलों के पानी बॉयल कर रहे हैं। इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, 2 तेज़पत्ते हैं छोटे छोटे, बादियान का फूल है, काली मिर्चें 4-5, और ज़ीरा। 1 टीस्पून हम सिरका डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल रहे हैं, इससे चावल खिले खिले रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। जी हमने सेलर राइस लिए हैं, अभी हम बॉयल करेंगे। चावल हमने 3 मिनट बॉयल करें और निकाल लें, क्योंकि सबसे पहले तेल लगाएंगे तो थोड़े कच्चे चावल इस्तेमाल करेंगे हम। चावलों का पानी निकाला है हमने, जो हम दम लगाएंगे बिरयानी तो उसमें डालेंगे। ये इसमें हम जर्दे का रंग शामिल कर रहे हैं, जो हमने आधा दही बचा के रखा था। ये केवड़ा शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, ये बिरयानी एसेंस है, 1/2 टीस्पून के करीब हमने शामिल करा इसमें। वन टी स्पून चाट मसाला शामिल कर रहे हैं हम इसके अंदर,
इसमें हमने टमाटर लिए हुए हैं, धनिया है बारीक कटा हुआ, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और प्याज है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ये हम दम लगाने में इस्तेमाल करेंगे। जावित्री और जायफल का पाउडर है, इसे हमने पीस लिया है, इसे भी हम इसी में शामिल करेंगे और ये बहुत थोड़ी सी मकदार में शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अब हम तेल लगाने जा रहे हैं, गोश्त हमारा गर्म है, अब हम इसमें डालेंगे। अब हम इसकी तेल लगाएंगे और मसाले को हम साइडों पे करते जाएंगे और बीच में हम एक होल रखेंगे। हमने फेंट के रखा हुआ है, अब हम वो चावल डालेंगे जो हमने सबसे पहले निकाले थे। अब हम इसे कपड़े से साफ करके डालेंगे सारे चावल, ताकि ना चावल हमारे टूटे नहीं। अगर हम कबीर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो चावल टूट जाते हैं, तो इससे रिलैक्स होते सारे चावल माशाल्लाह से। अब ये चावल है जो हमने बाद में निकाले थे, पूरा कवर करेंगे हम इसे। अब बाकी जो हरा मसाला है वो डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा हम कलर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और अब फिर चावल डालेंगे हम। और ये आखिरी लेयर है, इसमें हम थोड़ा सा जो मसाला बच गया हरा वो डाल रहे हैं। अब हम ये सारे चावल डाल देंगे इसमें, वही कपड़े से साफ करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। अच्छी तरह से फैला देंगे इसे। अब ये जो बॉयल पानी निकाला था ये डालेंगे हम एक कप के बराबर इसमें, इससे इसकी स्टीम बहुत अच्छी बनेगी। ये ऑयल जो हमने शुरू में निकाला था अब हम उसे ही डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज डाल देंगे ऊपर से। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। आज को जो है 5 से 7 मिनट तेज रखेंगे, उसके बाद हम स्लो कर देंगे। माशाल्लाह से देखें बिरयानी रेडी हो गई है। इसके चावल देखें कैसे खिले खिले हैं ज़बरदस्त। कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बिरयानी बनाई है चिकन की, बहुत स्पाइसी सी है, इसे देगी बिरयानी भी कह सकते हैं। आप इसे चेक कीजिएगा, बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी हमारी ज़रूर पसंद आएगी। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिया करें, हौसला अफजाई मिलती है इससे। और दुआ में याद रखिए अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। वेलकम टू आवर चैनल किचन डायरीज। एक कप हमने इसमें घी लिया है, घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ्राई करेंगे प्याज को, जो हमने 3 मीडियम साइज़ के लिए और बारीक स्लाइस कर लिए हैं। गोल्डन ब्राउन करेंगे इसे, फिर हम बाहर निकाल लेंगे इसमें, फिर बाकी मसाले डालेंगे। तकरीबन हो गई, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे।
ये 1 kg गोश्त लिया हमने चिकन का, जिसमें शामिल कर रहे हैं। अगर हम इसकी भुनाई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट कलर हो जाए, तो फिर हम बाद में इसमें मसाला जार शामिल करेंगे। अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। ये खड़े गरम मसाले लिए हैं हमने, इसमें दालचीनी के टुकड़े हैं 2 से 3, 2 बादियान के फूल हैं, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची है हमारे पास, ज़ीरा है सफ़ेद, काली मिर्चें हैं 20 से 25 दाने, तेज़पत्ता है, और ये शाही ज़ीरा है हमारे पास, और लौंग है, इसे हम शामिल करेंगे इसमें। इसमें तमाम ये मसाले डालेंगे ड्राई। ये हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, अदरक लहसुन लिया है हमने, मोटा मोटा कूट लिया है 3 टेबल स्पून लिया है, और ये हरी मिर्चें मोटी मोटी कूट ली हैं, 20 से 25 हरी मिर्चें ली हैं हमने, और कड़ी पत्ता शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला लिया है रेडीमेड, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्च ली है, नमक टेस्ट के हिसाब से लिया है, थोड़ा सा चाइनीज़ नमक लिया है, ये बिरयानी जो बनाते हैं तो उसमें इन्हेंस करता है इसके टेस्ट को। सौंफ लिए हमने 1 टीस्पून, और साबुत धनिया है जिसे मोटा मोटा कूट लिया 1.5 टेबल स्पून लिया हमने। तमाम मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लिया ताकि मसाले हमारे लगे नहीं। 4 मीडियम साइज़ हमने टमाटर लिए हैं जिन्हें बारीक स्लाइस कर लिया है, 5 से 6 हमारे पास आलू बुखारे हैं। अब इसमें हम 1/2 टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल कर रहे हैं आलू बुखारे इसमें डाल के। 1 टेबल स्पून हमने इसमें नींबू का रस डाला है, वो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। माशाल्लाह से इसका कलर देखें, बहुत ही प्यारा, और इंशाल्लाह ताला जब ये रेसिपी तैयार होगी तो बहुत सी पसंद भी आएगी। अब इसमें हम ढक रहे हैं और ढक के 10 मिनट के लिए दम पे देंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है ना चाट मसाला शामिल कर रहे हैं, इससे भी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 प्याली हमने दही लिया है जिसे अच्छी तरह फेंट लिया है। 1/2 कप का ये भी इस्तेमाल करेंगे, 1/2 कप हम दम लगाते टाइम इस्तेमाल करेंगे। मिक्स कर रहे हैं इसको। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। ये गोल्डन की प्याज है, ये भी हम इसमें आधी शामिल करेंगे और आधी दम लगाते टाइम शामिल करेंगे। ये ऑयल हम निकाल रहे हैं इसमें से, जो हम बाद में दम लगाने में यूज़ करेंगे। में हम नमक डाल रहे हैं जो चावलों के पानी बॉईल कर रहे हैं। इसमें गरम मसाला डाल लें, 2 तेज़पत्ते हैं छोटे छोटे, बादियान का फूल है, काली मिर्च है 4-5, और ज़ीरा है। 1 टीस्पून हम सिरका डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल रहे हैं, इससे चावल खिले खिले रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। जी हमने सेलर राइस सुन लिए हैं, अभी इन्हें हम बॉयल करेंगे। चावल हमने 3 मिनट बॉईल करें और निकाल लें, क्योंकि सबसे पहले तेल लगाएंगे तो थोड़े कच्चे चावल इस्तेमाल करेंगे हम। चावलों का पानी निकाला है हमने, जो हम दम लगाएंगे बिरयानी तो उसमें डालेंगे। ये इसमें हम जर्दे का रंग शामिल कर रहे हैं, जो हमने आधा दही बचा के रखा था। ये केवड़ा शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, ये बिरयानी एसेंस है, 1/2 टीस्पून के करीब हमने शामिल करा इसमें। वन टीस्पून चाट मसाला शामिल कर रहे हैं हम इसके अंदर। इसमें हमने टमाटर लिए हुए हैं, धनिया है बारीक कटा हुआ, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, और प्याज है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ये हम दम लगाने में इस्तेमाल करेंगे। जावित्री और जायफल का पाउडर है, इसे हमने पीस लिया है, इसे भी हम इसी में शामिल करेंगे, और ये बहुत थोड़ी सी मकदार में शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हम तेल लगाने जा रहे हैं, गोश्त हमारा गर्म है, अब इसमें डालेंगे। अब हम इसकी तह लगाएंगे और मसाले को हम साइडों पे करते जाएंगे, और बीच में हम एक होल रखेंगे।
फेंट के रखा हुआ है। अब हम वो चावल डालेंगे जो हमने सबसे पहले निकाले थे। अब हम इसे कपड़े से साफ करके डालेंगे सारे चावल, ताकि ना चावल हमारे टूटे नहीं। अगर हम कबीर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो चावल टूट जाते हैं, तो इससे रिलैक्स होते सारे चावल माशाल्लाह से। अब ये चावल है जो हमने बाद में निकाले थे, पूरा कवर करेंगे हम इसे। अब बाकी जो हरा मसाला है वो डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा हम कलर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और अब फिर चावल डालेंगे हम। और ये आखिरी लेयर है, इसमें हम थोड़ा सा जो मसाला बच गया हरा वो डाल रहे हैं। अब हम ये सारे चावल डाल देंगे इसमें, वही कपड़े से साफ करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। अच्छी तरह से फैला देंगे इसे। अब ये जो बॉयल पानी निकाला था ये डालेंगे हम एक कप के बराबर इसमें, इससे इसकी स्टीम बहुत अच्छी बनेगी। ये ऑयल जो हमने शुरू में निकाला था अब हम उसे डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज डाल देंगे ऊपर से। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। आँच को जो है 5 से 7 मिनट तेज़ रखेंगे, उसके बाद हम स्लो कर देंगे। माशाल्लाह से देखें बिरयानी रेडी हो गई है। इसके चावल देखें कैसे खिले खिले हैं, ज़बरदस्त। कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। हाफ के जी से ज़्यादा हमारे पास ये चिकन है, सॉल्ट है, और पानी हम 1 kg से थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये हमने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है जिसे हम साबित डालेंगे यखनी में, और ये 2 लहसुन लिए हैं। 1 kg से ज़्यादा चिकन थी जो हमने यखनी बनाई थी, उसमें से हमने अब इसको श्रेड कर लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये 1/2 कप ऑयल है हमारे पास, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें, हमने 10 से 12 लहसुन लिए हैं, चॉप कर लिए हैं उनको, ये शामिल करेंगे हम इसमें। फ्राई हो गए, अब हम इसमें हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट डालेंगे। हरी प्याज हमने जो है 2 लिए हैं, 1 प्याली मटर है हमारे पास। अब हम इसे शामिल करेंगे प्याज, इन्हें बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे, इन्हें भी बारीक चॉप कर लिया, और हमने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, इसे भी काट लिया हमने, शामिल करेंगे। ये 15 से 20 हरी मिर्चें, इसे भी हम इसमें शामिल करेंगे। चाइनीज़ नमक है 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें। ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। इसे मिक्स करेंगे हम, और ये सब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे बना रहे हैं। इसमें हम सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून के करीब। 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हम चिली सॉस इस्तेमाल करेंगे, इसको श्रेड कर लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे। ये हरी प्याज है जो हमने रखी हुई थी, इसमें से हम आधी शामिल करेंगे, आधी हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। चिकन तैयार हो चुकी है। ये जो यखनी हमने अलग निकाली थी, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून से भी कम चाइनीज़ नमक डाला है इसमें। ये 1 kg हमने चावल लिए हैं, और ये गोल्डन बासमती चावल हैं, 2 घंटे हमने इसे भिगो के रखा हुआ था।
हमारे चावल तकरीबन बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसमें सारा मसाला मिक्स करेंगे। 7 मिनट के लिए दम देंगे। ये अंडा फ्राई कर रहे हैं हम, इसमें ये भी हम अपने चावलों में शामिल कर रहे हैं। ये इसमें हम एग को शामिल कर रहे हैं जो हमने फ्राई करा है। और माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है, माशाल्लाह से देखें इसका कलर वगैरह, खिले खिले चावल देखें हमारे कितने खिले खिले बने। यखनी के साथ हम जब इसे बनाते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग निकल के आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बने।